अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद सौरभ। आज मैं आपको बहुत आसान और बहुत जल्दी बनने वाले आलू चने की रेसिपी बता रही हूँ। मैंने 1 किलो दही लिया है, उसके अंदर आधा किलो मैंने चने लिए हैं। चनों को मैंने अच्छी तरह से धोकर और इसको मैंने बॉईल कर लिया नमक डाल के। बस सिर्फ नमक डाल के मैंने इसको बॉईल किया। नमक अच्छी तरह से जब चने बॉईल हो गए तो मैंने इसको दही में डाल दिया चनों को। अब इसके अंदर सिर्फ दही और चने हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर ये प्याज एक छोटा सा मैंने लिया है, हाफ प्याज लिया है मैंने छोटा, ये मैंने बारीक बारीक सा काट लिया, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। एक अदद मैंने टमाटर लिया है, इसको हमने बारीक बारीक सा काट लिया है। चुकंदर मैंने थोड़ी सी ली है, ये भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आधा खीरा लिया है। बंद गोभी है, बंद गोभी को भी मैंने थोड़ी सी लेकर इसको भी मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है। अब ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इसके बाद मैंने 2 अदद आलू लिए हैं, आलू भी मैंने बॉयल किए हैं। बॉयल करके मैंने इसको छोटा छोटा स्लाइस में काट लिया है, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये सारा कुछ डालने के बाद मैं अब इसके अंदर डालूंगी 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर मैं नमक डाल दूंगी। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप ज़्यादा कम कर सकती हैं। चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दूंगी। ये छोटी छोटी सी करके इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए कितनी जल्दी बनने वाले आलू चने। जितनी आप इसके अंदर पापड़ियाँ डाल सकती हैं डाल दें, जितनी आप पसंद करती हैं उतनी इसके अंदर ये डाल दें। बहुत जल्दी बनते हैं ये आलू चने। आप भी इसी रेसिपी के साथ घर में बनाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। मेरी वीडियो को देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखा करें और मेरी वीडियो को लाजमी देखा करें। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।